और कैसा है? क्या हुआ, थोड़ा टेंस दिख रहा है? यार बताइयो मत किसी को, लेकिन मुझे आजकल नाइटफॉल की प्रॉब्लम आ रही है। अबे यार, ये प्रॉब्लम मेरे को भी थी हॉस्टल में, लेकिन फिर मैंने अपना बेड बदला और सब ठीक हो गया। मतलब बेड का इससे क्या कनेक्शन? अरे अब बेड बड़ा है ना, तो मैं रात को बेड से गिरता नहीं। नाइट फॉल समझता नहीं है यार। चल सब ठीक है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा चार ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपका नाइट फॉल हो रहा है और कैसे इसे ठीक करें। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। जब रात को सोते हुए आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका वीर्यपात हो जाए, उसे नाइट फॉल कहते हैं। नाइट फॉल यंग मेल्स में ज्यादा कॉमन है, लेकिन विमेन में भी होता है। लेकिन क्या नाइट फॉल होना कोई प्रॉब्लम है भी? अगर महीने में एक आध बार हो रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हफ्ते में ही 2-3 बार हो रहा है तो जरूर ध्यान देने वाली बात है। कम हो या ज्यादा, इसके पीछे कारण जरूर होता है और आप चाहें तो इसे पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन गलतियों की जिस वजह से नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 4, आप खाना खाते ही सो जाते हैं। दोस्तों, नाइटफॉल होने का रूट कॉज है शरीर में ज्यादा गर्मी होना। नेचुरली खाना खाने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि पाचन क्रिया अच्छे से हो सके। अगर आप रात को खाना खाते ही सो जाते हैं तो यही बॉडी हीट आपके नाइट फॉल का कारण बन सकती है। इसलिए सोने और खाने में एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप रखें। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। अगर कभी रात को हैवी खा भी लें तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाएं या बाहर थोड़ी वॉक कराएं। आफ्टर डिनर वॉक से खाना तो डाइजेस्ट होता ही है, बल्कि चंद्रमा की रोशनी आपकी बॉडी को ठंडक भी देगी। बाकी बॉडी की गर्मी कम करने के लिए बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का बाहर का तला गला अवॉइड करें, बल्कि अपनी डाइट में ठंडी तासीर की चीजें जैसे कि खीरे, तरबूज, चावल, छाछ को ऐड करें। अगर रात को दूध पीते हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा हौलता गर्म ना हो, इससे भी नाइटफॉल हो सकता है। उबाल कर थोड़ा ठंडा होने दें और हल्का गुनगुना दूध ही पिएं। नंबर 3, रात को सोने से पहले यूरिन ना करना। दोस्तों, जब हमारा ब्लैडर फुल होता है तो पेल्विक रीजन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गुप्त अंग में इरेक्शन आ जाती है और ये हमारी इच्छा के विपरीत रात को वेट ड्रीम्स का कारण बन जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं है। और ये तो बहुत ही जरूरी है कि आप सोने से पहले यूरिन पास करके सोएं ताकि सोते हुए ब्लैडर खाली रहे। ऐसे ही कभी कभी हम रात को आलस में यूरिन पास करने की अर्ज को टाल देते हैं। ये गलती कभी ना करें, यही फिर अनवांटेड इजैकुलेशन का कारण बन सकता है। उठकर यूरिन करें और वापस सो जाएं, नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपको नाइटफॉल काफी फ्रीक्वेंटली होता है तो रात को सोने से पहले ठंडे पानी से नहा लें। इतना नहीं तो एटलीस्ट अपने मुंह को, आंखों को और खासकर पैरों को ठंडे पानी से अच्छे से धोएं। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी, जिससे नाइट फॉल नहीं होगा। अगर कर सकें तो सोने से पहले पैरों की तलवियों पे सरसों के तेल की मसाज करें। ये एक कारगर तरीका है शरीर से गर्मी को निकालने का। नंबर 2, रॉन्ग कंटेंट देखना। दोस्तों, अपने दिमाग को हम जैसी इनपुट देंगे वैसी ही आउटपुट मिलेगी। हम डेली लाइफ में जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती हैं। रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में से वही विचार सपनों के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अगर आप दिन भर अपने दिमाग को अश्लील विचारों से भरेंगे तो आप नाइटफॉल को खुद आमंत्रण दे रहे हैं। वैसे हम एक्सप्लिसिट कंटेंट तभी ज्यादा कंज्यूम करते हैं जब हमारी लाइफ गोल ओरिएंटेड नहीं होती। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए आप खुद को बिजी रखो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से किसी ने एक बार पूछा था, क्या आपको कामुकता नहीं सताती? उन्होंने कहा था, हाँ, कामुकता मेरे दरवाजे पे दस्तक जरूर देती है, लेकिन उसे अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं हमेशा किसी और काम में व्यस्त रहता हूँ। सुबह टाइम से तैयार होकर एक टू डू टास्क लिस्ट बनाओ, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। इससे आपको लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी और मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। आप रात को सोने से पहले एक चीज और कर सकते हो, किसी भी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र ओम का उच्चारण कर सकते हो। इससे भी मन शांत होता है और शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा भर जाती है। नहीं तो रात को सोने से पहले कोई लाइट पॉजिटिव से बुक पढ़ो। अगर इधर उधर की चीजें देखोगे तो नाइटफॉल तो हो सकता है। नंबर एक, एक्सेसिव मास्टरबेशन। दोस्तों सच ये है कि ज्यादा हस्तमैथुन करने से हमारे पेल्विक रीजन की नसें वीक होने लगती हैं। अगर पेल्विक रीजन कमजोर हो तब भी रात को अनकंट्रोलेबली इजैकुलेशन हो सकता है। पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तितली आसन, भुजंग आसन और पवन मुक्त आसन बहुत इफेक्टिव हैं। आसान भी हैं, डेली करेंगे तो यकीनन फायदा होगा। किसी भी तरह की एक्सरसाइज डेली करने से नर्व स्ट्रॉन्ग होती हैं, बॉडी की हीट निकलती है और मास्टरबेशन करने की लत भी कम होती है। बाकी हाँ, रात को पेट के बल भी नहीं सोना चाहिए। इससे हमारे पेल्विक रीजन पे ज्यादा जोर पड़ता है और लिंग में सेंसेशन भी क्रिएट हो सकती है। लेफ्ट साइड की तरफ सोना बेस्ट है। जाने से पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आयुर्वेदिक रेमेडी, जिससे आपकी धातु पुष्ट होगी और शरीर से गर्मी भी निकलेगी। रात को सोने से पहले आधा चम्मच अमल की रसायन आधा चम्मच शहद में मिला के ले लें। अमल की रसायन आंवला को आंवला जूस में ही परंपरागत तरीके से घोटकर बनाया जाता है, जिससे ये आंवला के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। 2-3 महीने लगातार ले लें, बहुत फायदा होगा। कोई टेंशन ना लें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों इन बातों का ध्यान रख के आप नाइटफॉल से बच सकते हैं। रीकैप करूं तो डिनर और सोने के बीच में 2-3 घंटे का गैप रखें। सोने से पहले यूरिन पास करना ना भूलें। रात को जब सोने जाएं तो हाथ पैर धो लें। सरसों के तेल से पैरों की तलवियों की मसाज करना बहुत इफेक्टिव है। गर्म चीजें अवॉइड करें और ठंडी चीजों को डाइट में इंक्लूड करें। पॉजिटिव कंटेंट देखें और खुद को बिजी रखें। बाकी अगर कभी नाइटफॉल हो भी जाए तो गिल्टी फील ना करें। इस देश के संतों ने बताया है कि मास्टरबेशन के कंपैरिजन में नाइटफॉल काफी कम डैमेजिंग है, क्योंकि शरीर का वीर्य काफी हद तक लूज नहीं होता। बाकी अगर आप सोचें कि मास्टरबेशन नहीं करते तो नाइटफॉल तो होगा ही, ये जरूरी नहीं है। सब डिपेंड करता है आपकी स्टेट ऑफ माइंड पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। बाकी आजकल मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, आप Q&As और बाकी पोस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी पीनट बटर खरीदना चाहते हैं तो न्यूट्राबे फूड्स का ऑल नेचुरल पीनट बटर एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। ये आता है 2 वेरिएंट्स में, क्रीमी और क्रंची। पैक घुमा के देखो तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है रोस्टेड पीनट्स। ना एडेड शुगर, ना हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स। इसके 2 चम्मच में आपको मिलेगा 9 ग्राम प्रोटीन और 16 ग्राम हेल्दी फैट्स। नेचुरल पीनट बटर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो सकता है, जिससे आप रोटी पे लगा के, फ्रूट्स पे लगा के या ऐसे ही खा सकते हैं। न्यूट्राबे फूड्स का ऑल नेचुरल क्रीमी और क्रंची पीनट बटर खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल कूपन कोड लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा सरप्राइज डिस्काउंट। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। माई नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।